कैसा लग्या जिले एक ऐसी फिल्म बना कर रही है और जेदा बच्चे खास करी गैंगस्टर दी गल आ रही है और उधर बच्चे रोल करने का मौका मिले। एक्चुअली सर, ये जो गैंगवार फिल्म है, ये फिल्म करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि एक पुरानी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से रूबरू होने का थोड़ा मौका मिला मैंने सोचा। एक्टिंग वाला कीड़ा कब जागा था अपने अंदर? सर, एक्टिंग वाला कीड़ा तो बचपन से ही है। पहले थिएटर किया मैंने 8-10 साल। थिएटर करने के बाद फिर अब चल रहे हैं। हमारे ना एक हॉल में ना पूरे बिस्तर लगे होते थे, क्योंकि वहाँ पे होटल शोटल है नहीं, तो हॉल एक था उसमें बिस्तर लगे होते थे। तो मैं आपको राजेश सर की बात बताता हूँ। राजेश सर क्या करते थे, पूरा दिन शूट करना, और रात को अगर हम 12-12:30 खाना खुना खा के फ्री हो रहे हैं, तो उन्होंने ना आते ही बिस्तर लगे हैं सबके सबके ना डायलॉग्स याद करवाने वहीं पे। बावली में हम नहाने जाते थे, तो हमें वहाँ डरा दिया गया कि भाई हम बावली पे ना सुबह 4-5 बजे ना लेपर्ड आते हैं, चीते आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं यार एक्टर बनना है बहुत आसान है, यार मेरे पास पैसा है चलो बन जाते हैं। लेकिन सर, एक्टर पैसा तो है लगता है, लेकिन जो उसमें आपकी लगन होनी चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है। वहाँ पे रामकोट में नदी है, ठंडे पानी ठंडे में पानी सर कम से कम भी कोई 8-10 बार शॉट लिए उन्होंने। फाइट सीन चल रहे थे और हमें पता है हमने कैसे वो सीन निकाले। तो दोस्तों गल चला दी है गैंगवार 86 दी। तो साढ़े कन्ने असें पहले थोड़ा कन्ने रूबरू कराया इस फिल्म दे डायरेक्टर राइटर और आम तौर पर प्रोड्यूसर दा भी काम वो करदे ने, पर इस बारी प्रोड्यूसर कोई और ही। पर इस फिल्म दे विच उन्हें बड़ा प्रयास किया है साढ़े राजेश राजा जी और कन्ने गए साढ़े तनवीर डार। तो हुण एक और नौजवान साढ़ा कलाकार जम्मू दे विशाल मगोत्रा। मगोत्रा जी, विशाल जी थोड़ा स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो कैसा लग्या जिले एक ऐसी फिल्म बना कर रही है और जेदा बच्चे खास करी गैंगस्टर दी गल आ रही है और उधर बच्चे रोल करने का मौका मिले। जी। सबसे पहले सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मौका दिया, और इस फिल्म का क्रेडिट जाता है राजेश राजा सर को, जिन्होंने ये डायरेक्ट की, और पुरुषोत्तम सर जिन्होंने प्रोड्यूस की। एक्चुअली सर, ये जो गैंगवार फिल्म है, ये फिल्म करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि एक पुरानी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से रूबरू होने का थोड़ा मौका मिला, और जिसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। तब मैं पैदा उस भी नहीं हिस्ट्री तो दिखे दा नहीं है पर नहीं देखा, सुने दा लोके बोले। सुना हुआ है, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा ना इनके साथ काम करने का भी, और हर चीज़ का। और सीनियर आर्टिस्ट थे साथ में, तनवीर सर थे, शक्ति कपूर सर थे, शाहबाज खान थे, जम्मू के बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे बीच में। सबके साथ काम करने का मौका मिला, तो मेरे को अपने आप को बहुत खुश करने सोचा। एक्टिंग वाला कीड़ा कब जागा था अपने अंदर? सर, एक्टिंग वाला कीड़ा तो बचपन से ही है। पहले थिएटर किया मैंने 8-10 साल। थिएटर करने के बाद फिर अब चल रहे हैं। अजकल अस दिखने पर मते सारे साढ़े जो थिएटर आर्टिस्ट भी हैं कलाकार जोड़े भी हैं जी वो ज़्यादा जो कुछ नहीं काम लगता जहाँ तो फिर वो नाच गाने वाला कोई सेंटर खोल ही लेंगे हाँ अपना कोरियोग्राफी करना शुरू हो जाते। तुम भी कोई ऐसा किया है जहाँ तुम एक्टिंग से करते थे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि मैं बॉम्बे चले गया था थिएटर करके, तो उधर ना मेरे को, मैं क्या करता था कि सबकी ना मैनेजमेंट देखता था कि हाँ भाई एक्टर चाहिए, ठीक है, वो मेरा फ्रेंड है उसको डाल ले, अच्छा क्या वो अरेंजमेंट कराना है, ठीक है। मेरे को ना उधर से किसी ने राय दी बॉम्बे से, कहते यार तू इतना कुछ करता है, तू एक्टिंग के साथ साथ ये भी स्टार्ट कर दे। अब मैं क्या करता हूँ कि सर, मेरे को काफ़ी साल हो गए, लाइन प्रोड्यूसर का काम भी देखता हूँ J&K लद्दाख में, प्रोडक्शन का भी देखता हूँ और कास्टिंग भी करता हूँ, काफी तो एक्टर का तो हूँ ही, एक्टर का कीड़ा तो हूँ ही। लेकिन क्या होता है कि सर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग क्या होते हैं कि वो ना एक्टर से थोड़ा दूर दूर भागते हैं कि यार कहाँ इसका रोल नहीं बन रहा है, करेक्टर में फिट नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे वो करते हैं। तो मेरे को किसी ने राय दी कि तू ये काम करेगा ना, तो अपने आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर के टच में आ बिल्कुल जाएगा, कस्टमर आ जाएगा तो वो मेरे लिए रहा, मतलब बाकी वाली जो आने वाली पीढ़ी है हमारी उनके लिए एक उनके लिए मैसेज भी आएगी है, बेस्ट है। लेकिन इसके लिए सर मेहनत बहुत लगती है, है। मेहनत तो है। बहुत अच्छा मेहनत लगती है। एक्टर को तो चलो है, लेकिन अगर आपने किसी प्रोडक्शन की जिम्मेवारी संभाल ली ना, तो आप तो सोने से भी गए, रेस्ट से भी गए, क्योंकि बहुत सिरदर्दी, बहुत टेंशन बन जाती है, वो एक्सपीरियंस भी है। लेकिन ये गैंगवार का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा है इन लोगों के साथ। मुख्यतः जी यदि शूटिंग हुई है जम्मू शहर से हुई जी जम्मू कुलाबार से सर, रामकोट से स्टार्ट हुआ था इसका शूट, और रामकोट जंगल एरिया है थोड़ा सा, बिल्कुल जहाँ पे हमारा रहना हुआ था। हम ना रात को, हमारे ना एक हॉल में ना पूरे बिस्तर लगे होते थे, क्योंकि वहाँ पे होटल शोटल है नहीं, तो हॉल एक था उसमें बिस्तर लगे होते थे। तो मैं आपको राजेश सर की बात बताता हूँ। राजेश सर क्या करते थे, पूरा दिन शूट करना, और रात को अगर हम 12-12:30 खाना खुना खा के फ्री हो रहे हैं,
तो उन्होंने ना आते ही बिस्तर लगे हैं सबके सबके ना डायलॉग्स याद करवाने वहीं पे उनको प्रैक्टिस कराने कल के सीन की। तो हम रात को सोते थे 1-1.5-2 बजे, और फिर हमारा ना कॉल टाइमिंग होती थी 4:30-5 बजे, 5 बजे। तो हम वहाँ पे फिर वापस उठना था, 1 घंटे की नींद होती थी। तो कंटिन्यूसली ऐसे 12-13-15 दिन ऐसे रहा हमारा रामकोट। और जहाँ पे हम नहाने जाते थे वो कोई 15-20 मिनट का रास्ता था ऊपर, बावली बावली समझ बावली में हम नहाने जाते थे। तो हमें वहां डरा दिया गया कि भाई हम बावली पे ना सुबह 4-5 बजे ना लेपर्ड आते हैं, चीते आते हैं, तो थोड़ा बच के रहना। तो हम सारा झुंड बना के जाते थे यार, कोई छोड़ के भागना मत। नहीं डरना क्यों यार, बदमाशी वाला रोल कर रहे थे, फिर चीते तो आप लोग थे उस फिल्म में। चीते तो थे लेकिन सर वो जंगली जो होते हैं वो नहीं देखते कि कौन है सामने, कौन है सामने। एक सब तो बड़ी गल है पढ़ते तो पर जो लोग देखते हैं तो बाबा एक फड़ी होंगी है यार क्या मजे लिए है, एक करैक्टर जिला बड़ा अच्छा नवाई है, पर उस करैक्टर की जी मेहनत है जी तुम सुना रहे हो वो लोग नहीं पता होती। नहीं पता लोग सिर्फ ये देखते हैं करैक्टर किता यार मजा लिए, पैसे भी लिए, सब कुछ लिए। और खास करिए जे कोई रोल लगी है कुड़ी के रोमांस करने का तो फिर सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं यार एक्टर बनना है बहुत आसान है यार, मेरे पास पैसा है चलो बन जाते हैं। लेकिन सर एक्टर पैसा तो लगता है लेकिन जो उसमें आपकी लगन होनी चाहिए ना वो बहुत जरूरी है, आपकी पूरा फोकस होना चाहिए, आप तभी काम कर पाओगे। आप कहोगे यार क्या है एक इतना पैसा है, 1 घंटा 2 घंटा सोना, क्या जिंदगी आराम करनी है, अपना बिजनेस करते हैं। तो जो एक्टर है ना, एक्टर कहता नहीं यार मुझे काम करना है, मुझे अपनी एक्टिंग से, मुझे अपने कला से प्यार है। जब वो कला से प्यार करेगा ना वो अपने आप काम करेगा। बिल्कुल सच गला करते हैं दोस्तों, कोई भी काम करना हो लगन चाहिए, तपस्या चाहिए, तो फिर के थोड़ी कामयाबी मिलती है। चाहे वो तुम ये जी रंगीन पर्दे के उपर मौज मस्ती करते देखते दे लोगों कलाकारें गी, पर उदे पिछे किन्नी मेहनत है वो तुम अज जाने चुके हो गए। तो राती सोने भी 1 घंटा थोड़ा, और डंडा डॉक्टर का कन्ने चढ़ता होता। सर्दियों के दिन, सर्दियों के दिन होते, और कई बार सर्दियों के दिन ऐसे भी सीन आते हैं कि थोड़ा खाली बनियान पाइए, बिल्कुल धोती कुर्ता पाइए। सर मेरा सीन है ऐसी फिल्म में, बिल्कुल धोती भी वो डालो। इतनी सर्दी पड़ रही थी, धुंध पड़ी हुई है, तो उसमें मेरे को ऐसे, और ठंडे पानी में पवन सर की बड़ी सपोर्ट रही हमें। पवन सर को पता होगा वहाँ पे रामकोट में नदी है, ठंडे पानी में सर कम से कम भी कोई 8-10 बार शॉट लिए उन्होंने, फाइट सीन चल रहे थे और हमें पता है हमने कैसे वो सीन निकाले। बिल्कुल दर्शकों तुसे उन फिल्म दिखी है तो अपना सुझाव जरूर दियो कि इे लिया फिल्मा बननी चाहिए, और जम्मू के साड़ी फिल्म इंडस्ट्री जी है वो तां गै अगे बढ़ी सकती है अगर तुहाड़ी सारी सपोर्ट। बिल्कुल 20 दिसंबर की डेट तुस मेरे ख्याल अज ही उत्थे मार्क कर लो, भुल्यो नहीं, बड़ी चढ़ी है। पी वी आर थिएटर से जाइए तो अपनी फिल्म का जरूर मजा लाए। धन्यवाद।